रविंदर जी, आज आपने दौरा भी किया यहाँ पर, जो माइग्रेशन कैंप लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी थी कि बॉर्डर के एक्सट्रीम एरिया से लोगों को सुरक्षित निकालना, और तमाम वो एरिया जो गोलीबारी की जद में थे, उसकी टारगेट में थे, यहाँ पाकिस्तान के गोले गिरने की संभावनाएं थी, उस एरिया से हमने लोगों को इवैक्यूएट किया। आपने देखा, ये आरएसपुरा का एरिया है और यहाँ इसके आगे बिश्ना का एरिया है, अरनिया का एरिया है, सांबा और हीरानगर के तमाम बेल्ट जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, उन लोगों को सुरक्षित हमने वहाँ से निकाला है। कैंपों के अंदर अच्छी फैसिलिटीज़ हो, लोगों को रहने की, सोने की, खाने की, भोजन की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए सारे इंतज़ाम लिए गए हैं। आज हमने ये सारा सिस्टम चेक किया है, हमारे लोग अब हमने सेफर जगहों पर पहुँचा दिए गए हैं। कैंपों के अंदर अच्छी व्यवस्था करने हमारी जिम्मेवारी है, और उसके जो जरूरी डायरेक्शंस हैं वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई है। रविंदर जी, पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग, हालांकि कल फायर नहीं हुआ, लेकिन सिचुएशन अभी भी टेंस है, लोग अपने घर छोड़ के बाहर आ चुके। पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, राक्षसी प्रवृत्ति का देश है, पाकिस्तान के ऊपर कोई दुनिया का कोई मुल्क भरोसा नहीं कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा, पाकिस्तान की नींव इस्लाम के नाम पर पड़ी थी, और मुसलमानों का और इस्लाम का अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये पाकिस्तान है। बाकी इस पाकिस्तान को ठगाने लगाएंगे हम, रमजान के दिन चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ये मुसलमानों का दुश्मन है, रमजान से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो है आतंकवादी देश है, दरिंदा है, जैसे रावण होता था, लंका होती थी ना, ये वही है रावण, ये राक्षसी मुल्क है, और इसका काम करना पड़ेगा। अच्छा, पहले सफेद झंडे दिखाता है और उसके कोई सफेद झंडे शंडे नहीं, पाकिस्तान के सफेद दिखाएगा, लाल करेंगे इसके झंडे। हमारे साथ बात कर रहे थे रविंदर रहना जी, जिनसे जिन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की नीयत के ऊपर सामने सामने हमेशा से शक रहता है और कभी भी विश्वास नहीं किया जाता ऐसे देश के ऊपर, ऐसा वो देश है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आरएसपुरा में जहाँ पर भी माइग्रेशन कैंप लगाए गए हैं, लोगों को यहाँ ठहराया गया है, बॉर्डर फिलहाल खाली है, कल रात से कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन सिचुएशन अभी भी टेंस बनी हुई है, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। यहाँ पर इंतज़ाम पूरे इनके लिए किए गए, आज बीजेपी के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, डिप्टी सीएम खुद यहाँ पहुँचे, लेकिन एक बात साफ कर दी है बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना, जो कि जम्मू कश्मीर में, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा।